नशे और मादक तस्करी पर अंकुश लगाने के लिए जम्मू पुलिस अब सीधा लोगों का सहयोग लेगी। इस काम के लिए पुलिस ने धर्मगुरुओं, मुल्ला कमेटी, बाजार एसोसिएशन के अलावा पंचायत सदस्यों के साथ जुड़ना शुरू कर दिया है, ताकि मादक पदार्थों की तस्करी पर रोकथाम लगाई जा सके। धर्मगुरुओं का समाज में खासा प्रभाव है। एसएसपी जम्मू श्रीधर पाटिल का कहना है कि मादक पदार्थों की तस्करी को रोकने के लिए समाज के हर वर्ग को सहयोग लेना जरूरी है। कश्मीर घाटी के जिला शोपिया के केलर तहसील के गुज्जर बकरवाल युवाओं ने मूलभूत सुविधाएं न मिलने को लेकर प्रशासन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। वहीं गुज्जर बकरवाल यूथ वेलफेयर के जनरल सेक्रेटरी चौधरी जुबेर अहमद, पहाड़ी भाषा बोलने वालों के एक्टिविस्ट सद्दाम हुसैन और सैयद नजाकत शाह ने भी भाग लिया। उन्होंने कहा कि हमें खेलने के लिए 20 मील की यात्रा करनी पड़ती है। उन्होंने कहा, हम अंग्रेजों की गुलामी से आजाद हो गए, परंतु आज भी हम लोगों के साथ अन्याय और अत्याचार हो रहा है। उन्होंने उपराज्यपाल से खेल का मैदान प्रदान करने की अपील की। जम्मू में रह रहे म्यांमार नागरिकों, रोहिंग्यों के आधार कार्ड, पैन कार्ड और पासपोर्ट बनाने के आरोपित की तलाश में त्रिकुटा नगर पुलिस ने शहर के कई हिस्सों में दबिश दी, लेकिन आरोपित पुलिस के हत्थे नहीं चढ़ पाया। पुलिस उसके मोबाइल फोन की डिटेल्स को खंगाल रही है, ताकि मामले से जुड़े सभी कड़ियों को जोड़कर नेटवर्क में शामिल अन्य लोगों के बारे में जानकारी जुटा सके। जम्मू संभाग के अखनूर कस्बे में तालाबों, छपड़ियों का अस्तित्व लगभग खत्म हो चुका है। अखनूर कस्बे और आसपास के क्षेत्र में कुछ समय पहले कई तालाब और छपड़ियां हुआ करती थी, जिससे मवेशियों को पानी पिलाने व अन्य कार्य किए जाते थे। कई वर्षों से अब भूमि माफिया और रसूख रखने वाले लोगों द्वारा आहिस्ता आहिस्ता इन पर अतिक्रमण करके इन्हें बेचा जा रहा है। कस्बे के मामा करोड़ा, छपड़ी, सुगुल मोड़, राम तलाई सहित अन्य तालाबों का अस्तित्व अब खत्म हो चुका है। वहीं लोगों ने उपराज्यपाल से अपील की कि सरकार को चाहिए कि इसे नए सिरे से बचाने की मुहिम चलाए, ताकि हमारी विरासत भी बचे और पर्यावरण भी सुधर जाए। जम्मू में ऑनलाइन परीक्षा को लेकर छात्रों द्वारा परेड कॉलेज के बाहर कॉलेज प्रबंधन के खिलाफ 20 सड़क पर बैठकर यातायात रोककर विरोध प्रदर्शन किया गया। उन्होंने कहा कि हमारा कॉलेज ऑटोनोमस बॉडी है, और फिर ये छात्राओं की मांग क्यों नहीं मानते। हमारी पढ़ाई ऑनलाइन हुई है और हमारे एग्जाम्स भी ऑनलाइन ही लिए जाएं। कई कॉलेजों और यूनिवर्सिटीज के ऑनलाइन एग्जाम लिए गए, ये कॉलेज अलग क्यों है। कॉलेज प्रबंधन हमारे भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहा है। छात्रों ने कहा कि उनकी मांग जायज है और उनकी मांग को जल्द से जल्द पूरा किया जाए। जम्मू कश्मीर में एक दिन पहले वरिष्ठ नागरिकों के लिए शुरू हुए टीकाकरण अभियान के दूसरे दिन नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रधान व पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने भी टीका लगवाया। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने भी ट्वीट कर डॉक्टरों, नर्सों और स्कीम्स के दूसरे स्टाफ के सदस्यों का धन्यवाद करते हुए कहा कि उनके 85 वर्षीय पिता और माँ ने कोरोना का टीका लगवाया। उन्हें किडनी ट्रांसप्लांट करवाने के कारण स्वास्थ्य संबंधी कई समस्याएं हैं, बावजूद इसके अगर वो टीका लगवा सकते हैं तो आपको भी वैक्सीन लगवाने के लिए आगे आना चाहिए। कश्मीर घाटी के जिला अंतनाग में पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी द्वारा कार्यकर्ताओं की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक को संबोधित करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री महबूब मुफ्ती ने कहा कि भारत और पाकिस्तान को कश्मीर में शांति लाने के लिए बातचीत करनी चाहिए। महबूबा ने कहा कि 5 अगस्त का फैसला संसद को वापस लेना चाहिए, जिसे कश्मीर के लोगों से छीन लिया गया है। भाजपा के मिशन बंगाल को धार देने के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और फायर ब्रांड नेता योगी आदित्यनाथ ने चुनाव प्रचार की कमान संभाल ली है। उन्होंने मुस्लिम बहुल मालदा जिले में चुनावी सभा को संबोधित किया और ममता सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि बंगाल में जय श्री राम के नारे लगाने पर रोक है, यहाँ की सरकार लव जिहाद को रोकने में विफल रही और ईद पर जबरन गौ हत्या करवाई जाती है। हमारी सरकार बनी तो ये सब बंद हो जाएगा।